चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज देवतीर्थ साहू, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम के इस पोर्टल पर। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो चलिए मिलिए हमारे सारे एजुकेटर के साथ। तो सुनील बडोनी सर है जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है, मैं भी आपके साथ हूँ इंग्लिश के क्लासेस के लिए। साथ में कासिफ अंसारी सर है जनरल स्टडीज़ के लिए, सरफराज खान सर है रीजनिंग के लिए, और अभिषेक सरोहा सर है जनरल स्टडीज़ के लिए, मोहित सर है, ओमन राव सर है, संदीप रावत सर है। ठीक है, तो एक शानदार टीम तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया, जिसमें हम एसएससी की बात कर रहे हैं। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हम तत्पर हैं आप लोगों के लिए। और साथ में हमारे साथ है नेहा मलिक मैम भी है, ठीक है, और पिंकी सरोहा मैम भी हैं जो करेंट अफेयर देख रही हैं, नीतू ढाका जी हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। ठीक, चलिए सारे बच्चे लोग फटाफट लाइव आ जाइए। ठीक है, सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवतीर्थ साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। मुझे पढ़ाते हुए 16 साल हो गए और ऐसा मैं समझता हूँ कि 3 से 4 लाख लोग अब तक मेरे द्वारा पढ़ लिए होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम शुरुआत के समय मैंने निकाले थे। आई एम अ बुक ऑथर, मैं लेखक हूँ और मेरी बुक माइंड योर इंग्लिश काफ़ी पॉपुलर है। शायद अब तक हमने करीब 40 से 50 हज़ार किताबें अब तक बेच दी है। टाइमिंग आप नोट कर लेंगे, पेन कहाँ चला गया, हाँ 10:30 बजे और शाम को 4:30 बजे। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, और मैं समझता हूँ कि शायद अब तक कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा एक लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर हम चैनल बना के रखे हुए लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम के नाम से, और हमारी टीम बराबर आपको नोटिफिकेशन भेजती रहेगी कि कौन से एजुकेटर आज कितने बजे कौन सा क्लास लेने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब जो अन अकेडमी है वो सबसे बड़ा एजुकेशनल पोर्टल बन चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लस के पोर्टल पे जरूर आइए, क्लासेस वहाँ जरूर लीजिए। नो डाउट यूट्यूब में तो हम फ्री में पढ़ा ही रहे हैं, प्लस थोड़ा पेड वर्जन है, बट इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप प्लस के वर्जन को लेते हैं। पेड वर्जन में सारे टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से कराई जाएगी, टाइम टू टाइम वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में आप एक क्लिक से डाउनलोड कर लेंगे, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। यूट्यूब में अक्सर देखेंगे आप 8 से 10 सेकंड लैग होता है, प्लस आप क्विजेस वगैरह में पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर पाते, वहाँ रियल टाइम में एक बटन दबाकर भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ में लीडर बोर्ड वगैरह भी तैयार होता है। अब इसको लेना कैसे, तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप जाकर वहाँ पर सर्च करेंगे अपने गोल पे, एसएससी आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है चला गया ऊपर, तो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शंस आएंगे और फीस वगैरह के बारे में बताया जाएगा। तो फीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 12 महीने का सोच रहे हैं 1 साल का, ठीक है, 1 महीने का भी आप ट्रायल के लिए ले सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, 3 महीने का भी कोई खास नहीं है, बट ट्रायल के लिए आप एक बार जस्ट ट्रायल आप देख सकते हैं। 1,080 रुपया देना होगा एक महीने का, 3 महीने का अगर आप देना चाहते हैं तो 2,700 होता है, 6 महीने के लिए आप करना चाहते हैं तो ये 4,320 रुपये होगा। लेकिन अगर आप 12 महीने का देखते हैं तो मात्र 5,400, और इसमें 1 महीने का और ऐड कर देते तो आपको और 1 साल मिल जाता है। मतलब 5,400 आपने पे किया और 1 महीने का 1,080 होता है, अगर आप वो पे कर देते हो तो 6,080 में 2 साल का। बट ये पॉसिबल कब है, जब आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं देव लाइव, ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आपको ये कोड अप्लाई करना है तो आप प्लस में आ जाएंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा साथ में और सारे लोग भी आपको पढ़ाएंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस Part-4 के बारे में अपन चर्चा कर रहा है। ठीक, आज थोड़ा सा डिफरेंट क्लास में ले रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, चलिए चर्चा करेंगे इसके ऊपर। यूज ऑफ प्रेपोजिशंस आफ्टर वर्ब्स, ऐसे कौन कौन से प्रेपोजिशंस कौन कौन के वर्ब के साथ कंबाइन होकर आते हैं, ये हमको याद करना है, क्योंकि एरर फाइंडिंग्स हो गए, फिलअप्स हो गए, ये बड़ा तकलीफ होता है, तो आपको याद करना होगा। तो एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ। तो यूज ऑफ प्रेपोजिशंस आफ्टर वर्ब्स, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट, मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी हमने 3 इसके ऊपर क्लासेस हमने ले लिया है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप पुराने वीडियो सारे देख लीजिए और उसके बाद ये क्लास आप अटेंड कीजिए तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस क्या होता है इसके बारे में मैं बता दिया हूँ, एक बार हल्का सा मैं आपको ब्रीफ में रिविजन दे देता हूँ। तो देखिए, प्रेपोजिशन में एक शब्द है पोजिशन, पोजिशन का मतलब होता है स्थिति।
तो प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो स्थिति बताता है, किसकी, किसी नाउन की। अब आप स्थिति बता रहे हो तो किसी को ध्यान में रख के स्थिति बताओगे ना। मैं बोलता हूँ कि राहुल छोटा है, तो छोटा है मैं कब बोलूंगा, जब मैं किसी से कंपेयर करूंगा। हाँ, मोहन से छोटा है, तो मोहन तो होना चाहिए ना, तब तो राहुल छोटा होगा। या मैं बोलता हूँ प्रकाश मोटा है, तो मोटा कब होगा, उसके सामने कोई पतला होगा। तो जब आप किसी की स्थिति तय करते हो तो किसी को ध्यान में रख के करते हो। तो किसी नाउन की स्थिति आपको तय करना है, किसी और नाउन के सापेक्ष जिस शब्द का यूज करेंगे वो प्रपोजिशंस कहलाता है, ठीक है। और इसमें प्रोनाउन भी जोड़ सकते हो। कंजंक्शंस में क्या होता है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कंजंक्शंस कहलाता है। क्लियर है? मैंने कुछ प्रपोजिशन शुरुआत के क्लासेस पढ़ाए थे, वो आप उसको देख लीजिए, बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाएं। आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूज ऑफ प्रपोजिशंस आफ्टर वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है, प्रपोजिशन एट। तो एट जो है कौन कौन से वर्ब के साथ आता है ये हमको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जिनके साथ एट का प्रयोग होगा, चलिए देखिए। पहला शब्द आ रहा है एम एट। तो एम एट, तो एम का मतलब होता है उद्देश्य या उद्देश्य का होना। तो एम के बाद हम एट का प्रयोग करेंगे, उद्देश्य होना। तो सतीश एम्स एट बिकमिंग अ डॉक्टर। तो सतीश उद्देश्य रखता है या उसका उद्देश्य हो रहा है कि वह डॉक्टर बने। तो सतीश एम्स एट, ठीक है ना। तो एम्स के साथ आपको एट का प्रयोग करना है, बिकमिंग अ डॉक्टर। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अराइव एट, ठीक है। अराइव, अराइव एक प्रकार का वर्ब है, उसके बाद हमेशा एट हम यूज करेंगे। तो अराइव एट यानी पहुंचना। पवन अराइव्ड एट दिल्ली यस्टरडे। तो पवन जो है कल दिल्ली पहुंचा। पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, ठीक है ना। तो अराइव के जितने भी वर्ब के फॉर्म होंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ऐसे ईएस वाला फॉर्म, उसके बाद हम एट लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो पवन अराइव्ड एट दिल्ली यस्टरडे, या ही विल अराइव एट पूना टुमारो। बार्क एट, तो आपको पता है कि बार्क यानी भौंकना, ठीक है। और उसके बाद भी हम एट का, एट नामक प्रपोजिशन यूज करेंगे। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते भौंकते हैं अनजान लोगों पर, ठीक है। द डॉग्स बार्क एट, तो कई बार क्या होता है बार्क ऑन लिख देते हैं कुछ लोग, या बार्क ऑन करके लिखा हुआ रहेगा क्योंकि स्ट्रेंजर पर, ठीक है ना। तो पर के लिए तो हम ऑन सोचते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है, बार्क के बाद भी आपका एट का ही यूज करेंगे। अगला देखिए, कॉल एट। कॉल एट, तो घर पर किसी से मिलने जाना। देखिए कॉल का कई मीनिंग होता है, कॉल यानी बुलाना भी होता है, कॉल यानी कॉल करना भी होता है, कॉल एट, ठीक है ना, कॉल ऑन, कॉल ऑफ, काफी सारे होता है, ठीक है ना। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, बोलते हैं ना टुडेज मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, आज का मैच स्थगित कर दिया गया, छोड़ दिया गया, रद्द कर दिया। तो कॉल एट, तो कॉल के बाद अगर आप एट लगाते हो तो इसका मतलब हो जाएगा घर पर मिलने जाना, ठीक है ना। देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कॉल के बाद एट ही लगाना है, ठीक है ना। तो ही विल कॉल एट यू टुमारो, तो वह तुम्हारे घर कल मिलने आएगा, ठीक। चलिए और देखते हैं, जेयर एट। जेयर का मतलब ऐसे तो चिढ़ाना भी होता है, झिड़कना भी होता है, ठीक है। तो वाई आर यू जेयरिंग एट द पुअर, तुम गरीबों पर क्यों झिड़क रहे हो, ठीक है। जेयर का मतलब जबान दिखाना भी होता है ना, चिढ़ाने के लिए, इस टाइप का भी होता है। तो जेयर एट मतलब झिड़कना, ठीक है। याद रखते चले जाएंगे, नोट करते चले जाइए, ये उल्टा कैसे आ रहा है, ठीक है। फिर तू पहले आ गया, ठीक है। फायर एट, पर गोली चलाना। राम फायर्ड एट द मैड डॉग, राम ने पागल कुत्ते पर गोली चलाया। गलत बात है, ठीक है, लेकिन पागल कुत्ता हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। एक बार तो मेरे बच्चे को ही दौड़ा दिया था, तो ऐसे केस में तो ऐसा लगता है कि निपटा ही दो। तो फायर एट, पर गोली चलाना, तो राम फायर्ड एट द मैड डॉग। नॉक एट, खटखटाना। हु इज नॉकिंग एट द डोर, कई बार क्या होता है हु इज नॉकिंग ऑन द डोर कर देते, तो नॉक के बाद एट का ही यूज आप करेंगे, नॉक एट, खटखटाना, ठीक है।
लाफ एट, ये काफी ज्यादा यूज होता है कि हंसी उड़ाना, तो किसी का आप मजाक उड़ाते हो या हंसी उड़ाते हो तो दैट्स कॉल, ठीक है ना, लाफ एट, ही लाफ्ड एट माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्त का हंसी उड़ाया, तो लाफ्ड एट, ये देखो कुत्ते भौंक रहे हैं। लुक एट, देखना, तो याद रखना लुक का मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखना। कई लोग मेरे से पूछते भी है कि सर सी लुक और एट में फर्क क्या है, तो चलिए लगे हाथ में बताते भी चलता हूं। तो सी का मतलब होता है देखना, ऐसी सिंपली देखना ना, प्लीज सी माय पेपर्स, प्लीज सी योर सेल्फ, ठीक है। लुक ध्यान से देखना, ठीक है। लुक एट द बॉय, ही इज सो रूड। लुक एट द गर्ल, द्रोणाचार्य ने पक्का कहा होगा बेटा अर्जुन लुक एट द बर्ड, बर्ड को देखो, फिर बोलता मुझे आंख दिख रहा है। सही है भाई। और वॉच, तो वॉच का मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट को देखना, जैसे कि वॉचिंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मैचेस, वॉचिंग प्रोग्राम, ठीक है। वैसे तो और भी है, वॉच मतलब ध्यान रखना है ना, वॉच है घड़ी भी होता है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। तो लुक, लुक के बाद एट लगता है, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड, सी द ब्लैक बोर्ड सही है, वॉच द ब्लैक बोर्ड भी चलो एक बार बोल दिए, लेकिन लुक द ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो आपके आपके आपको लुक के बाद एट का आपको यूज करना ही पड़ेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, याद रहेगा। चलिए शॉक एट, आघात लगना, शॉक लगता ना हरी यार, झटका। तो राम वॉज शॉक्ड एट हिज ब्रदर्स डेथ, ठीक है, तो राम को बड़ा झटका लगा एट हिज ब्रदर्स डेथ, उसके भाई के मृत्यु पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फॉर, तो फॉर हम देखेंगे कि कैसे कैसे किस किस वर्ब के साथ लगाया जाएगा और क्या माना मीनिंग होगा। आस्क फॉर, मांगना, ही नेवर आस्क मी फॉर हेल्प, वह मुझे, देखिए आस्क का मतलब तो पूछना भी होता है, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आस्क फॉर, ठीक है, तो मतलब मांगना, तो ही नेवर आस्क मी फॉर हेल्प, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बैग फॉर, अ थिंग फ्रॉम अ पर्सन, द बैगर बैग्ड फॉर आर्म्स फ्रॉम अस, द बैगर बैग्ड फॉर आर्म्स फ्रॉम अस, तो यहां पर देखिए बैग्ड, तो बैग का बैग, बैग का बैग्ड, ठीक है ना, तो ये यहां पर सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। आर्म का मतलब, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, छा कैसे लिखते हैं, ऐसे भिक्षा, भिक्षा ऐसा तो नहीं होगा, भिक्षा, समझ गया ना तुम लोग, वेरी गुड, ठीक है, कुछ भी खाने के लिए ठूसने के लिए दैट्स कॉल आर्म्स। चलो ट्रेन की भी आवाज आ रही है, हाँ, बैक फॉर मतलब होता है याचना करना। ब्लेम फॉर, दोष लगाना, यू कांट ब्लेम मी फॉर इट। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम ऑब्जेक्ट को बीच में भी लगाते हैं, जैसे कि है वेक अप, तो उठना या उठाना भी होता है, ठीक है ना, तो अपन ऐसे भी बोलते हैं वेक हिम, तो वेक अप हिम ऐसा नहीं होगा, वेक हिम अप, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को भी बीच में हम लगा देते हैं, ठीक। उसी तरह से ब्लेम फॉर, दोष लगाना, किसी को आरोपित करना, यू कांट ब्लेम मी फॉर इट, तो यू कांट ब्लेम फॉर मी नहीं होगा, यू कांट ब्लेम मी फॉर इट, आप मुझे इसके लिए दोष नहीं लगा सकते। अगला देखेंगे केयर फॉर, केयर फॉर परवाह करना, तो किसी की आप परवाह करते हैं दैट्स कॉल केयर फॉर, ठीक है, तो शी डज नॉट केयर फॉर हर हस्बैंड्स एडवाइस, वह अपने पति के एडवाइस सलाह का परवाह नहीं करती है, ठीक है, वो उसकी चॉइस है, इट इज हर चॉइस, नेहा धूपिया ने तो भी कहा है इट्स हर चॉइस, तो केयर फॉर मतलब होता है परवाह करना, परवाह करना यानी केयर फॉर, केयर फॉर यानी परवाह करना। बेटा ये प्रीमियर वीडियो है, प्रीम है ना, तो ये लाइव नहीं है, ठीक है।
फाइट फॉर के लिए संघर्ष करना, फाइट फॉर के लिए संघर्ष करना, अरे कहां चला गया, ठीक है। क्योंकि कोरोना के चक्कर में मैं ऑफिस जा नहीं पा रहा हूँ, सारा सेटअप वही है और ब्रॉडबैंड के बिना ये हो नहीं सकता, अभी तकलीफ बड़ा है और बाहर निकलना भी उचित नहीं है। वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स, हमें अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए, जो भी हमें राइट मिला हुआ है, ठीक है ना, तो वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स, ठीक है, याद रहेगा। चल और भी है, हेट्रेड फॉर घृणा, ठीक है, आई हैव ग्रेट हेट्रेड फॉर डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। होप फॉर की आशा करना, तो की आशा करना, आई होप फॉर योर सक्सेस, मैं आपके सफलता के लिए आशा करता हूं, तो होप फॉर यानी की आशा करना, ठीक है। नोन फॉर प्रसिद्ध होना, तो राणा प्रताप वॉज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, तो राणा पाटेकर की याद है, कुत्तों की बड़ी आवाज आ रही है, ठीक है, मेरे आसपास घर में आसपास बहुत कुत्ते हैं, आओ खाना वाना मिलता रहता ना इन लोगों को, तो नोन फॉर प्रसिद्ध होना, तो राणा प्रताप वॉज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, उसको जाना जाता है या प्रसिद्ध हुए अपने ब्रेवरी के लिए, ठीक है। लुक फॉर की तलाशी करना, तो ही इज लुकिंग फॉर द कैट, या खोजना भी होता है, लुक फॉर खोजना, धर्मेंद्र को बुलाना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा वाला, तो लुक फॉर की तलाशी करना, ही इज लुकिंग फॉर द कैट, वह कुत्ते की तलाशी कर रहा है या उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। सर्च फॉर को ढूंढना, ठीक है, आई एम सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट पेन, ठीक, तो मैं अपने खोए हुए पेन को ढूंढ रहा हूं। चलिए ऑन, तो कुछ ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑन लगता है, कौन कौन से वर्ब से जिसके साथ हम ऑन लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक्ट ऑन पर अमल करना, तो किसी चीज पर आप अमल करते हो एक्ट ऑन कहलाता है, ठीक है ना, पर अमल करना। एक्ट ऑन योर टीचर्स एडवाइस, तो अपने टीचर्स एडवाइस पर, सलाह पर अमल करो या उसका पालन करो, तो एक्ट ऑन पर अमल करना, पर अमल करना, ठीक है ना, एक्ट ऑन। कॉल ऑन, ठीक है, मिलने जाना, ठीक है, तो शी कॉल्स ऑन हर हस्बैंड, तो वह अपने पति से मिलने जाती है, तो कॉल्स के, कॉल के साथ अगर आप ऑन लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा मिलने जाना, तो ऑन का हम कहां किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, कॉल, ठीक है, तो मिलने जाना, तो शी कॉल्स ऑन हर हस्बैंड, हस्बैंड नॉट हस्बैंड। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन पर बधाई देना, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं आपके सफलता के लिए बधाई देता हूं, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन बधाई देना। डिपेंड ऑन निर्भर होना, तो ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, वह अपने पिता पर या अपने माँ बाप पर, अभिभावक पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर होता है, तो डिपेंड ऑन निर्भर होना, डिपेंड ऑन यानी होता है निर्भर होना, तो ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। फीड ऑन पर पलना, द बेबीज फीड ऑन मिल्क, ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, वो दूध पर ही पलते हैं, ठीक है ना, तो फीड ऑन पर पलना। एक मिनट, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ये भी देख लेता हूँ, पता चला कई बार मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है, थैंक यू, हो रहा है, एक बार ऐसे ही मैं पूरा वीडियो बना रहा था, पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, तो बीच में एक बार चेक कर लेना चाहिए। रिलाय ऑन पर विश्वास करना, ठीक है, या किसी के ऊपर भरोसा करना, कुत्तों का बड़ा आतंक हो गया है। रिलाय ऑन पर विश्वास करना, डू नॉट रिलाय ऑन फॉल्स फ्रेंड्स, ठीक है ना, कभी भी झूठे दोस्तों पर भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, रिलाय ऑन पर विश्वास करना। दरवाजा लगा देता हूं, शायद बच्चों
आपको डिस्टर्ब ना हो। वीडियो में भी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद 10:30-11 बज गए। रिपेंट ऑन पर पछताना, किसी चीज में जब पछतावा होता है तो रिपेंट कहलाता है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, ठीक है। रिपेंट पर पछताना, रिपेंट ऑन पर पछताना, तो वी रिपेंटेड ऑन आर मिस्टेक, हम अपने अपने गलतियों पर पछताए, तो रिपेंट, ठीक है ना, पर पछताना रिपेंट, ठीक है। रिपेंट ऑन पर पछताना ऑफ। अब देखते हैं कि ऑफ नामक प्रेपोजिशन कैसे कैसे कहां कहां लगा सकते हैं। एक्यूज ऑफ का दोष लगाना, तो राम एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, ठीक है ना। तो एक्यूज के साथ अक्सर क्या लोग फॉर का यूज करते हैं, जैसे राम एक्यूज्ड हिम फॉर थेफ्ट, तो याद रखना accused के साथ ऑफ लगेगा। इससे ऊपर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस भी तो सॉल्व किए थे, याद है प्रेपोजिशन कंजंक्शंस Part-3 पे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही आए थे। अवेल ऑफ, तो अवेल ऑफ मतलब होता है प्राप्त करना, उपलब्ध होना। यू शुड अवेल ऑफ योर सेल्फ ऑफ दिस चांस, ठीक है ना। तो उपलब्ध होना या प्राप्त करना, ठीक है ना, तो आपको अपने आप को उपलब्ध कराना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए इस चांस के लिए। बीवेयर ऑफ, से सावधान हो, बीयर ऑफ पिक पॉकेटर्स या पिक पॉकेट्स, तो जेब कतरे को हम बोलते हैं पिक पॉकेट्स या पिक पॉकेटर्स, तो बीवेयर ऑफ से सावधान होना, से सावधान होना बीवेयर ऑफ। चलिए बोस्ट ऑफ, बोस्ट से आए बोस्टर, फेंकू थोड़ा लंबी लंबी छोड़ना, उसी को बोस्टर कहा जाता है। तो बोस्ट ऑफ मतलब डिंग मारना। डू नॉट बोस्ट ऑफ योर वेल्थ, अपने पैसों का या धन का डिंग मत हाको। कम ऑफ संबंध रखना, डू नॉट बोस्ट ऑफ योर, कम ऑफ संबंध रखना, आई कम ऑफ विथ, आई कम ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं होता है। कंसिस्ट ऑफ से बना होना, तो ही कम्स ऑफ, एग्जाम्पल उल्टा सीधा हो गया, ठीक है। तो कम ऑफ का एग्जाम्पल यहां है, तो ही कम्स ऑफ आर फैमिली, तो संबंध रखना, तो ही कम्स ऑफ आर फैमिली, वह हमारे परिवार से संबंध रखता है, ठीक है। एक काम करता हूं, ये होता है कंसिस्ट ऑफ से बना होना, से बना होना, ठीक है। तो वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर हम वाटर बनते हैं, बनाते हैं। ये परसों ही की बात है, मेरा बच्चा भी पूछा ये सवाल, पापा है, उसकी मम्मी बता रही थी उसको, मेरी वाइफ जो है बायोलॉजी वाली है, तो बेटा ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। तो बोलता है ये जब गैस को मिला रहे तो पानी लिक्विड कैसे बन जाता है तो बेचारी वो भी फंस गई। तो कंसिस्ट ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। क्योर ऑफ निरोग करना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल किधर है, नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो निरोग करना, तो दिस मेडिसिन कैन क्योर ऑफ द डिसीज, तो यह दवाई जो है निरोग कर सकता है बीमारी से। डाई ऑफ किसी रोग से मरना, तो ही डाइड ऑफ एड्स, फिलहाल तो लोग अभी कोरोना से मर रहे हैं भाई, सब लोग ध्यान देंगे, घर से कोई नहीं निकले। Enquire of about, ये about कहां से आ गया, Enquire of, ठीक है। आप चाहो तो आगे ऐसे बाद में उस टाइप से about करके लिख सकते हो, but Enquire of, I inquired of him about his parents, इस तरह से आप बना सकते हो। Fond of से related के question हमने solve किया था, उसमें O double F कर दिए थे, याद है, तो बचे हैं उससे। तो I am very fond of toys, मैं खिलौनों का शौकीन हूँ। चलिए इन,
कुछ ऐसे वर्ब जिसके साथ इन लगता है, अराइव इन, पहुंचना। तो सतीश अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक, सतीश जो है इंडिया पहुंचा लास्ट वीक। ये तो मैं याद भी करवाया था शायद पार्ट वन में। बिलीव इन, विश्वास करना, तो वी बिलीव इन आर ट्रेडिशंस, हम अपने ट्रेडिशंस पर विश्वास करते हैं। बिलीव इन, विश्वास करना। बॉर्न इन, से उत्पन्न होना, तो ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, तो वह उत्पन्न होना मतलब पैदा होना, तो वह एक रिच फैमिली में पैदा हुआ, बॉर्न इन, याद रहेगा। कॉल इन, बुलाना, ठीक है। तो अभी कॉल एड भी देखा, कॉल ऑफ भी देखा, कॉल इन तो बुलाना। द किंग कॉल्ड इन द गर्ल एट वंस, ठीक है ना, तो राजा ने उसको बुलाया। डील इन, का व्यापार करना, आई डील इन गोल्ड, ये क्वेश्चन हमने पार्ट थ्री में भी देखा था, ठीक है। तो डील, उसमें विथ लिखा हुआ था, तो ही डील्स इन गोल्ड, ठीक है, या आई डील इन गोल्ड, तो मैं सोने पर व्यापार करता हूं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, गिव इन, हार जाना, द एनिमी गेव इन द बैटल। इंडल्ज इन, संलिप्त होना, वी शुड नॉट इंडल्ज इन बैड प्रैक्टिसेस, हमें बुरी आदतों में संलिप्त नहीं होना चाहिए। शूट का केस है ट्रस्ट इन, पर विश्वास करना, कट तो नहीं रहा ना, ट्रस्ट इन, पर विश्वास करना। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पर विश्वास करो। टू, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ टू लगता है। एक्सीड टू, स्वीकार करना, ठीक है। आई एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, तो मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करता हूँ। एग्री टू, सहमत होना, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, तो वह मेरे प्रस्ताव पर सहमत हुआ, एग्रीड टू। अप्लाइड टू, आवेदन करना, आई हैव अप्लाइड टू द सेक्रेटरी दिस पोस्ट, अच्छा, आई हैव अप्लाइड टू द सेक्रेटरी फॉर दिस पोस्ट, ठीक, फॉर इधर आ गया। अटेंड टू, ध्यान देना, अटेंड टू व्हाट आई से, ठीक है, तो अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंड टू व्हाट आई से, तो अटेंड मतलब होता है कि किसी में प्रतिभागी होना, भाग लेना, बट अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, तो अटेंड टू व्हाट आई से, या पे अटेंशन भी आप बोल सकते हो। बिलोंग टू, संबंधित होना, तो ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, तो वह एक अमीर परिवार से संबंध रखता है। इनवाइट टू, निमंत्रण देना, इनवाइटेड माय फ्रेंड्स टू डिनर, आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स टू डिनर, मैंने अपने दोस्तों को डिनर पर बुलाया। काइंड ऑफ, मेहरबान होना, बी काइंड, सॉरी, काइंड टू, मेहरबान होना, ठीक है, बी काइंड टू द पुअर, तो गरीबों के लिए थोड़ा दयालु होइए, थोड़ा उनके ऊपर मेहरबानी कीजिए। लीड टू, को जाती है, या कोई किसी तरफ से अग्रसर होती है, दैट्स कॉल्ड लीड टू, तो दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यह रोड दिल्ली की तरफ जाती है, लीड टू, ठीक है। लिसन टू, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी प्लीज, लिसन टू मी प्लीज, ठीक है, पंक्चुएशन, लिसन टू मी प्लीज, ठीक है, और प्लीज के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगेगा, ठीक है, लिसन टू मी प्लीज, या थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी भी बोलते हैं, हैव अ ग्रेट डे, ठीक। ऑब्जेक्ट टू, ऐतराज करना, ही विल ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, वह तुम्हारे प्रपोजल पर ऐतराज रखेगा, ऐतराज करेगा। ऑब्जेक्ट टू, तो ऐतराज करना। यूज अ प्रपोजिशन आफ्टर नाउन्स, तो अभी हमने देखा था वर्ब के बाद किस प्रकार से प्रपोजिशंस लग रहे थे, अब देखेंगे कि नाउन के बाद कैसे कैसे प्रपोजिशंस लगते हैं। ऑन, कुछ ऐसे नाउन जिसके साथ ऑन लगता है, अथॉरिटी ऑन, डिस्कशन ऑन, ठीक है, टू पुट मनी ऑन, ओपिनियन ऑन, पिटी ऑन, फॉर, तो फॉर की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, कहाँ कहाँ लगेगा, कुछ ऐसे नाउन जिनके साथ फॉर लगता है, है ना, अफेक्शन फॉर, तो आई हैव अफेक्शन फॉर माई फ्रेंड्स। एम्बिशन फॉर, आई हैव एम्बिशन फॉर, आई हैव एम्बिशन फॉर प्रेसिडेंट। कैपेसिटी फॉर,
do you have capacity for this work? Pity for, pity मतलब थोड़ा दया, request for, ठीक है, I have a request for glass of water, taste for, appetite for, appetite मतलब जिसे भूख का लगना, भूख, appetite, blame for, ठीक है ना, contempt for, contempt मतलब किसी उल्लंघन, contempt, contempt of court बोलते ना, craving for, compassion for, compensation for, ठीक है, compensation for the poor, desire for, तो इस तरह से noun के बाद for लगा सकते हैं, ठीक है, of, कुछ nouns जिसके साथ of लगता है, assurance of, charge of, distress of, doubt of, experience of, I have the experience of this job, failure of, ठीक है, observance of, proof of, result of, want of, ठीक है, तो इन noun के साथ आपको of का use करना है. To, कुछ ऐसे nouns है जिसके साथ to लगता है, attention to, complain to, key to, approach to, assent to, alternative to, access to, antidote to, ठीक है, exceptions to, incentives to, indifference to, invitation to, likeness to, limit to, ठीक है, अब ये सब याद करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका तो है नहीं. Use the prepositions after adjectives and past participles. चलिए, तो कुछ ऐसे adjectives और past participles है जिनके साथ आपको of लगाना है. Accused of, ठीक है, तो he was accused of theft, tired of, I am tired of your activities, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे कृत से, afraid of, I am afraid of dogs, I am afraid of result, I am afraid of exam, certain of, ठीक है, fond of, तो I am fond of mangoes, sorry, full of, है ना, full of flowers, full of boys, full of girls, ठीक है, full of nonsense, glad of, ठीक है, good of, assured of, aware of, are you aware of this problem, are you aware of corona, cautious of, I am cautious about corona, composed of, confident of, I am confident of my result, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, सुनिश्चित हूँ अपने रिजल्ट के लिए. कॉन्शियस ऑफ, यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ लेक्चर. कन्विक्टेड ऑफ, दोषी होना. कन्विंस्ड ऑफ, आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज एडवाइस. डिफ्रॉड ऑफ, ठीक है. डिप्राइव्ड ऑफ, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ वाटर या वेजेस, ठीक है. डिशोरस ऑफ, तो यहां पर आपको ऑफ का यूज करना है. इन, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स और पार्टिसिपल्स है जिनके साथ इन लगता है. एक्सपीरियंस्ड इन, आई एम एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड. इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग. अकम्प्लिश्ड इन, पूर्ण होना. एक्यूरेट इन, एसिडुअस इन, एसिडुअस हार्ड वर्क. Absorbed in, ठीक है. Backward in, bigot in, correct in, defective in, diligent in, diligent मतलब कठिन मेहनत करना. Deficient in, enveloped in, fertile in, foiled in, implicated in, involved in, तो they are involved in theft. Proficient in, remiss in, worst in, तो इनके साथ आपको इनका यूज करना है. फॉर, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स और पार्टिसिपल्स हैं जिनके साथ फॉर लगता है. प्रिपेयर्ड फॉर, सो फूड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर चिल्ड्रन. एलिजिबल फॉर, आर यू एलिजिबल फॉर दिस जॉब. एसेंशियल फॉर, दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर योर करियर. प्रिपेयर्ड फॉर, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर चिल्ड्रन.
responsible for, you should be responsible for your guilt, useful for, these are useful for poor, anxious for, I am anxious for children, celebrated for, hai na? So designed for, so these are designed for new building, hai na? Destined for, eager for, so we are eager for the result, fit for, it is fit for the wall, good for, it is good for your health, grateful for, I am grateful for your money, notorious for, qualified for, थोड़ा punctuation छूट गया, ठीक है, qualified, ready for, we are ready for the tracking, sorry for, I am sorry for my mistake, sufficient for, jealous for, she is jealous for your career. अगला देखेंगे, use of some other important prepositions, abide by, पूरा करना, तो she must abide by her promise, ठीक है, तो उसे अपना promise जरूर पूरा करना चाहिए, तो abide for, abide by, पूरा करना, ठीक है, absent from, से अनुपस्थित रहना, तो you must not absent from school, तुम्हें अपने school से absent नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बस चुपचाप सुनते जाइए, act upon, अनुसरण करना, मतलब उसी को कॉपी करना, जैसा कह रहा है वैसे ही करना, act upon the advice of your elders, ठीक है, तो जैसा आपके elders कहते हैं उसी का अनुसरण करो, agree with a, सहमत होना, ठीक है, I agree with you in this matter, ठीक है ना, तो I agree with you in this matter, मैं आपसे इस मामले में सहमत होता हूँ, aim at, लक्ष्य, I aimed at the bird, लक्ष्य बनाना, ठीक है, anxious about, चिंतित, he is anxious about his mother's health, वह अपने माता जी के स्वास्थ्य पर चिंतित है, aware of, सावधान, she was not aware of her difficulties, वह अपने difficulties से चिंतित नहीं है, blind in, काना, तो he is blind in one eye, blind in, और इसका एक question भी था ना, blind into करके आया था, याद आ गया, very good, blind of, काना, Ram is blind of one eye, इस तरह से भी अपन कर सकते हैं, blind in या blind of, born of, से उत्पन्न होना, he is born of rich parents, तो वह जो है पैदा हुआ है अमीर परिवार अमीर अभिभावकों से, borrow from, उधार लेना, I borrowed some money from my friend, तो मैंने कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लिया, और उधार देना lent, break into, सेंध लगाना, a thief broke into my house when we were out, तो एक चोर ने मेरे घर सेंध लगाया, तो break यानी तोड़ना होता है, break into मतलब होता है सेंध लगाना, तो a thief broke into my house when we were out, busy with, में लगे होना, I am busy with my work, ठीक है, तो मैं अपने काम में लगा रहा, तो चलिए, तो होप सो यहां तक कुछ अच्छे शब्दों को मैं आप लोगों को याद करवा पाया हूं, वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइएगा, और आने वाले समय में मैं और भी काफी सारे शब्दों को लेकर आऊंगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.